हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम थर्ड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू पढ़ने वाले हैं, दैट इज कंडक्टिंग टिश्यू। गाइस, कंडक्टिंग टिश्यू दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो गाइस हम जाइलम एंड फ्लोएम का नेचर, फंक्शन और उसके जो जो एलिमेंट्स हैं सबके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस पहले स्टार्ट करते हैं जाइलम के साथ। गाइस, जाइलम में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सेल्स कैसे होते हैं, इलॉन्गेटेड। ठीक है, लंबे सेल्स होते हैं और उनकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती है, थिक वॉल। जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी थिक होती है। ठीक है, ओल्डर जाइलम, गाइस जो ओल्ड जाइलम के टिश्यू होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वुड में। ठीक है, जो वुड बनती है, वुड किससे ही बनती है, ओल्डर जाइलम टिश्यू से। तो जो ओल्ड जाइलम टिश्यू होती है वो वुड में कन्वर्ट हो जाती है। और गाइस जब वुड में कन्वर्ट हो जाती है तो ट्रांसपोर्ट नहीं करवा पाएगी। ठीक है, क्योंकि जाइलम किस में कन्वर्ट हो गया, वुड में। तो गाइस वुड तो ट्रांसपोर्ट नहीं करवा पाएगी वाटर को। तो जब वुड जाइलम ट्रांसपोर्ट नहीं करवा पा रहा, गाइस जब वुड में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे ही वुड में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। ठीक है गाइस, जाइलम में चार टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जाइलम ट्रिकीट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जिसको जाइलम फाइबर्स भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, जाइलम में चार टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस एक एक करके हम इन्हें सारे एलिमेंट्स को हमें पढ़ना है और इनका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। ठीक है, देन आता है फंक्शन। तो गाइस जाइलम का फंक्शन होता है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करवाना। ठीक है, मेन जो फंक्शन है जाइलम का वो है वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करवाना प्लांट में। गाइस वाटर हम प्लांट में सॉइल में डालते हैं। ठीक है, तो जो वाटर कंडक्ट होता है वो कहाँ से कंडक्ट होगा, फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, हमने पानी को सॉइल में डाला तो सॉइल में जो पानी प्रेजेंट है वो रूट से होता हुआ प्लांट के पूरे पार्ट में जाएगा। ठीक है, तो गाइस जो पानी को कंडक्ट करवाता है वो कौन कंडक्ट करवाता है, जाइलम। अब हम पढ़ेंगे सारे ये जो एलिमेंट्स हैं इनका नेचर और सबका फंक्शन, प्लस इन सबको डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे। गाइस जाइलम के जो फोर एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं जाइलम ट्रिकीट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो चलिए सबके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जाइलम ट्रिकीट्स। गाइस जाइलम ट्रिकीट्स में जो सेल्स होते हैं वो होते हैं इलॉन्गेटेड डेड सेल्स। गाइस लंबे और डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल्स का मतलब है कि उन सेल्स में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट, इसी वजह से ये सेल्स कैसे हैं, डेड सेल्स। गाइस प्रोटोप्लाज्म का मतलब है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, क्या होगा, एब्सेंट। ठीक है, तो ट्रिकीट्स में जो सेल्स होते हैं वो इलॉन्गेटेड और डेड सेल्स होते हैं। सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड, गाइस जो सेल्स होते हैं ट्रिकीट्स में वो एंड टू एंड प्लेस होते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है जाइलम ट्रिकीट्स का। ठीक है, ये है जाइलम ट्रिकीट। गाइस इसमें ये आप सेल जो देख रहे हो, इसमें जो सेल का टिप है वो कैसे है, टेपरिंग है। ठीक है, जो एंड्स हैं वो कैसे हैं, टेपरिंग एंड्स हैं। और गाइस जो सेल प्लेस होते हैं वो एंड टू एंड प्लेस होते हैं, मतलब इसके नीचे ऐसे ही एक और सेल्स होगा, उसके नीचे एक और सेल होगा। और गाइस ये जो सेल्स होते हैं इनमें बहुत सारे पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पिट्स मतलब छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वाटर क्या होता है, कंडक्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसके जो एंड्स हैं वो कैसे हैं, टेपरिंग एंड है। तो एंड टू एंड तो वाटर कंडक्ट नहीं होगा, तो वाटर कैसे कंडक्ट होगा, थ्रू पिट्स। ठीक है, देन हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल। गाइस इन सेल में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो हाईली लिग्निफाइड होती है, मतलब लिग्नाइन प्रेजेंट होता है, मतलब हार्ड स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, देन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। गाइस ये इसका फंक्शन हो गया,
ये इसका फंक्शन हो गया कि ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। फिर आते हैं जाइलम वेसल में। गाइस जाइलम वेसल में जो सेल होते हैं वो लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है जाइलम वेसल का, ठीक है। तो आप देख सकते हो लॉन्ग ट्यूब जैसा सेल होते हैं, और ये भी सेल कैसे होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं और एंड टू एंड प्लेस होते हैं। मतलब ये एक सेल है तो इसके नीचे ऐसा एक और सेल होगा, उसके नीचे ऐसा एक और सेल होगा, तो ये भी सेल इलॉन्गेटेड है और एंड टू एंड प्लेस होते हैं। देन जो सेल वॉल होती है इसमें हार्ड होती है, थिक होती है और लिग्निफाइड होती है। मतलब लिग्नाइन प्रेजेंट होता है तो ऑब्वियसली हार्ड तो होगी, प्लस थिक भी होती है सेल वॉल, ठीक है। देन कंडक्ट वाटर। गाइस ये इसका फंक्शन हो गया कि ये वाटर को क्या करवाता है, कंडक्ट, ठीक है। फिर आते हैं जाइलम पैरेन्काइमा पे। तो गाइस जाइलम पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल है। लिविंग सेल का मतलब इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट, ठीक है, लिविंग सेल्स है। गाइस इनका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। ये जो सेल्स होते हैं ये फूड को स्टोर करते हैं, तो ये इसका फंक्शन हो गया कि ये फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एंड कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, और वाटर और मिनरल को कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। तो ऑब्वियसली जाइलम का पार्ट है तो वाटर और मिनरल को कंडक्ट करवाने में हेल्प तो करेंगे। तो गाइस ये जो सेल है, ये सेल है जाइलम पैरेन्काइमा का, ये है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। इसमें आउटर मोस्ट सेल वॉल प्रेजेंट है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वैक्यूल्स प्रेजेंट है एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। गाइस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसका मतलब ये दोनों मिला के क्या बनते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इसी वजह से ये जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। अब आते हैं गाइस लास्ट जाइलम फाइबर्स पर। गाइस जाइलम फाइबर्स के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड सेल, ठीक है। जाइलम फाइबर्स को जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी कहा जाता है। इसके जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, मतलब प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। और गाइस इसका फंक्शन है कि ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, तो ये इसका क्या हो गया, फंक्शन, ठीक है। तो गाइस ये हो गए एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। गाइस फ्लोएम में भी चार टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका नेचर हो गया कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट सीव ट्यूब। गाइस पहला जो एलिमेंट है वो है सीव ट्यूब, प्रेजेंट होता है फ्लोएम में। कंपेनियन सेल प्रेजेंट होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। गाइस फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा को फाइबर्स भी कहा जाता है, ठीक है। गाइस जो सीव ट्यूब होता है ये कैसा, इसमें जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। कंपेनियन सेल में भी लिविंग सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा में भी लिविंग सेल्स होते हैं, बट जो फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा है इसमें कैसे सेल्स होते हैं, डेड सेल्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं फंक्शन पे कि फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है। तो गाइस जो मेन फंक्शन होता है फ्लोएम का वो होता है ट्रांसपोर्ट फूड इन बोथ डायरेक्शन। गाइस बोथ डायरेक्शन मतलब अपवर्ड भी, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। गाइस जो जाइलम था, जाइलम वाटर को कंडक्ट करवाता है सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि वाटर तो सिर्फ सॉइल में प्रेजेंट है ना, सॉइल से नीचे तो कंडक्ट करवाएगा नहीं, सिर्फ ऊपर की साइड कंडक्ट करवाएगा, तो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करवाता है जाइलम। बट गाइस फ्लोएम फूड को दोनों डायरेक्शन में कन्वर्ट करवाएगा। क्यों? क्योंकि गाइस जो फूड बनता है वो लीफ में बनता है, लीफ में फूड बन गया। अब लीफ से अपर वाले पार्ट को भी फूड चाहिए और नीचे वाले पार्ट को भी चाहिए फूड। तो गाइस जो फूड कंडक्ट होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। तो ये इसका मेन फंक्शन हो गया।
गाइस अब हम चारों एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सबका नेचर क्या होता है, सबका फंक्शन क्या होता है और स्ट्रक्चर से समझते हैं। गाइस फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं। ठीक है गाइस, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है फ्लोएम का। इसमें चलिए लेबलिंग करते हैं। ये वाले जो सेल्स हैं ये हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है गाइस, फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। आप देख सकते हो इसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, और ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये वाले जो सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। देन गाइस ये वाले जो सेल्स हैं ये हैं कंपेनियन सेल्स। आप कंपेनियन सेल्स में भी देख सकते हो कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। गाइस ये जो सेल्स होते हैं ये वाले, इन सेल ये वाले सेल्स होते हैं सीव ट्यूब। गाइस ये होता है सीव ट्यूब। जब हम सीव ट्यूब को ट्रांसवर्स देखेंगे तो गाइस इस टाइप के परफोरेटेड होल्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे, इनको हम कहते हैं सीव प्लेट। गाइस इसको कहा जाता है सीव प्लेट। ठीक है, जब हम ट्रांसवर्स काट के देखेंगे तो छोटे छोटे होल्स दिखाई देते हैं, तो उनको कहते हैं हम सीव प्लेट्स। ठीक है, तो गाइस देखिए, ये हो गई सीव प्लेट, एक ये हो गई सीव प्लेट। इसी प्लेट के थ्रू जो फूड है वो आगे की तरफ बढ़ता है। ये जो होल्स होते हैं इन्हीं के थ्रू जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, तो गाइस ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये फ्लोएम का हो गया। अब आप देख सकते हो कि जो सीव ट्यूब है इसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। गाइस न्यूक्लियस जब नहीं प्रेजेंट है तो जो सीव ट्यूब है वो डेड होना चाहिए था। ठीक है, बट गाइस जो सीव ट्यूब होता है वो कैसा होता है, लिविंग। सीव ट्यूब कैसा होता है, लिविंग। अब सोचिए कि ये लिविंग कैसे होता है, तो गाइस जो सीव ट्यूब है इसको कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है। तो जो सीव ट्यूब है इसको कंट्रोल कर रहा है कंपेनियन सेल, तो सारे फंक्शन जो भी सीव ट्यूब में हो रहे हैं सबको कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल। इसी वजह से जो सीव ट्यूब है वो भी कैसा है, लिविंग है। क्यों? क्योंकि वो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो सीव ट्यूब को भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो गाइस इसका सेकंड कैरेक्टर हो गया ट्रांसवर्स वॉल परफोरेटेड। गाइस ट्रांसवर्स जो वॉल है वो कैसी है, परफोरेटेड, वही होल्स प्रेजेंट है, और इस वॉल को कहा जाता है सीव प्लेट। ठीक है, इस वॉल को कहा जाता है सीव प्लेट, याद रखिएगा। देन ट्रांसपोर्ट फूड। गाइस ये इसका फंक्शन हो गया कि ये फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। देन सेकंड एलिमेंट आ गया कंपेनियन सेल। गाइस कंपेनियन सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स, क्योंकि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, इसका फंक्शन हो गया गाइस, ये इसका फंक्शन हो गया हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ सीव ट्यूब। गाइस जो कंपेनियन सेल होता है वो सीव ट्यूब की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। अभी आपको बताया था कि कंपेनियन सेल सीव ट्यूब को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। देन थर्ड एलिमेंट आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो गाइस इसमें जो सेल्स होते हैं वो भी लिविंग सेल्स होते हैं, देख सकते हो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, तो लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनका इसका ये हो गया फंक्शन स्टोरेज ऑफ स्टार्च फैट एक्सेट्रा। गाइस ये हेल्प करता है स्टोरेज में, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो स्टोरेज का होता है। फूड जो बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, बट जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो गाइस फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट को स्टोर करता है, और कुछ और ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनको स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि गाइस कंपेनियन जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है, तो उस स्पेस में ये फूड को स्टोर कर रखता है। ठीक है,
देन लास्ट एलिमेंट आता है फ्लोइंग फाइबर्स। गाइस फ्लोइंग फाइबर्स में जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है तो डेड सेल्स होते हैं। और ये हो गया इसका फंक्शन कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट, ठीक है। तो गाइस ये सारे एलिमेंट्स हो गए फ्लोएम के। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा जाइलम एंड फ्लोएम। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।